तो फिर लेकिन धन्यवाद आप छोटे से निमंत्रण पर आप पहुंचे बहुत बहुत आभार। यदि खाटू श्याम जी के जीवन के ऊपर हिंदी फिल्म बनी है और इसका लगभग प्रथम चरण अभी पूरा हो चुका है, इसकी शूटिंग हमने हिसार, राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों में की है और परवीन जी पिछले 7-8 दिन से यहीं है शूटिंग में। ये भीम का ही कैरेक्टर निभा रहे हैं उसके अंदर, फिल्म के अंदर, क्योंकि स्टोरी को वहाँ से उठाया गया है कि जब हिडिंबा की और उसकी मुलाकात होती है ना भीम की, तो भीम के पुत्र घटोत्कच थे, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे खाटू श्याम जी, तो वहाँ से स्टोरी को उठाया है। बाकी इसमें लगभग तकरीबन 80 के कलाकार इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लड़के लड़की 80 के करीब, लगभग 2 महीने और शूटिंग चलेगी नेक्स्ट साल। ये हाँ जी पूरी अवधि की फिल्म हिंदी में, हिंदी में जी आपका पहला प्रयास है पहले आपसे हो जाए? नहीं, इससे पहले लगभग मेरी 150 के करीब हरियाणवी फिल्में सीडी फिल्में मार्केट में, सीडी आई है। हाँ सीडी आई है पूरी फिल्म बनाने का पहला। हाँ जैसे चंद्रोल वारी अर्थनगर हरियाणा में जो मुख्य चली थी ना जो, और मैंने इसमें बतौर लेखक प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर और बतौर अभिनेता बर्बरी का रोल अदा किया। आपका मेरा स्वागत है हिसार नगरी में, आप आते रहते हैं, अच्छा है। जो एक कितने वर्षों बाद भीम का जो भूमिका निभाने जा रहे हैं दोबारा, कितने वर्ष हो गए महाभारत के? 20 साल हो गए। 20 साल बाद फिर भी वो कैसा लग रहा है, वो वाला भीम और अब वाला भीम कैसे मतलब तालमेल उठाएंगे? वो थोड़ा सा ये अलग कह रहे हो या जो बीच में पार्ट था ये पार्ट उसने नहीं किया था, ये पार्ट महाभारत में किया था, ये पार्ट अभी यहाँ का था उसमें, मतलब क्या वो लगता है आपने सच में भीम का जीवन जी लिया कि वो वाला पार्ट रहे जाती नहीं होती, अब जाती हो जाएगी। मतलब शुरू करना जी इसको इसे शुरू करना कि इसे अच्छे महापुरुष का नाम आपके साथ जुड़ रहा है, मतलब मैं तो बहुत स्टूडेंट था। फिर भी आपको कैसा लग रहा है कि अच्छा। बाद में भी ये आजकल सीक्वल बनते हैं, सीक्वल तो नहीं बना फिल्म बनगी भी फिर भी आ जाओ अच्छा लगता जी, करने पे फिर दोबारा एक बार मेमोरी रिवाइज रिवाइव हो गई है। मतलब जो महाभारत थी ना चोपड़ा साहब ने बनाई थी उसके अंदर ये पार्ट मिसिंग था, ये पार्ट जो था बर्बरी का था, तो एक नया एक्सपेरिमेंट है ये जो स्पेस था ना जो बर्बरी का जो पार्ट जो होता ना खाली होता बीच में एक स्पेस खाली होता उसको ये इस फिल्म के अलावा आजकल आप और किन किन में जो दो चार महत्वपूर्ण आपको लगते भी हैं वो भी बता दीजिए फिर और बातें करें। मैं ज़्यादा नहीं करता, मुझे अगर कोई काम अच्छा लगता है मेरे मन को तो मैं कर लेता हूँ, तो मैं उस रैट रेस में नहीं हो रहा जी। मतलब आप चूजी हो गए जी, कह रहे हो क्या कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसा करेक्टर करने के बाद ना लोग हार भी कुछ इज्जत बनाने के लिए कुछ गवाना भी पड़ता है जो मैं लिखा है कि अगर आप कोई भी काम करते हो ना कोई लाइन से तो कोई मुझे याद है बम्बे में तो अर्जुन ने एक पिक्चर आई थी उसकी रिलीज हुई तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि भाई अर्जुन है तो ये काम क्या बचता है। आया है ये एक आर्टिकल भी आया है जो राम बने थे अरुण गोविंद जो कृष्ण बने थे दीदी भारद्वाज अभी आर्टिकल, अब उन लोगों को काम नहीं मिल रहा क्योंकि वो लोग उसी तरह का काम करवाना चाहते हैं
वो रिपीट करना नहीं चाहते और दूसरे रोल में एक्सेप्ट कर नहीं रहे। वो क्या है कि कम ऐसा कुछ नहीं है, चलने का काम दुनिया में चलता है, अगर उनके डिपेंड करता है वो नहीं करते हैं करते। लेकिन मैं अपना जब माँ बाप चीज थी ना खत्म होने वाली, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं बॉम्बे में नहीं रहूँगा, अगर काम मिलेगा तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। क्योंकि मैं दिल्ली में रहूँगा तो मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं कि खाने की प्रॉब्लम या रहने की प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए तो कि भाई जो मैंने इज्जत गुवाई थी ना बम्बे जाके, जो मैंने अपना रेपुटेशन लूज किया था बम्बे जाके, वो रिकवरी हो गई। करोड़ रुपया भी दे दो बताओ मतलब। आपकी जो ये फिल्म बन रही है, इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा और अपने रोल के बारे में बताएंगे सर? योद्धा कह दो, महापुरुष भी थे, संत भी, संत टाइप आदमी थे, और ऐसा कोई योद्धा उस टाइप पे भी नहीं था। एक तीर मार के सारे पत्तों में छेद हो जाता है। अगर श्री कृष्ण जी का शीश दान में नहीं लेते तो ये मतलब उसको, लेकिन उनकी जो थी ना, उन्होंने एक अपने गुरु को जो दिया था प्रण कि भाई मैं हमेशा जो हारने वाला इंसान है उसकी मदद करूँगा, उससे फिर इनको भी लगा कि भाई ये तो खतरा पैदा हुआ है, कल को आज तो हम हार रहे हैं तो ये हमारे साथ है, कल को अगर वो हारने लगे तो वो कह रहे हैं उनके साथ होगा। फिर वहाँ से श्री कृष्ण ने अपने दिमाग से लाया उसका सीख मान। आपकी तो पूरी अपने समय में उसी तरह वो लोकप्रियता रही जैसे आज खली की है। तो कहीं आपको कहीं के देखने में आपको उस तरह मतलब जैसे वो कर रहा है, जिस तरह की नकली फाइट कर रहे हैं वो करनी चाहिए। कौन खली वो, मैं उसके से कंपेयर नहीं करना चाहता अपने आप को, क्योंकि स्पोर्ट्समैन, क्योंकि वो टोटल जैसे फिल्मी फाइट होती है वो मतलब एक बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। सर इस साल पहली बार आना हुआ है, ऐसे पहले कभी आना हुआ था? मैं एक बार आया हूँ। कब आए थे सर? ये दो तीन महीने साल के आसपास, ये गर्मियों में आया था वो पंजाबी उधम सिंह वाले आए, वो अपना कोई था मुझे अच्छा लगा शहर जी। मैं ऐसे घूमता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं हिसार में घूम रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे। तो आप जो धारावाहिक बन रहे हैं खासतौर पे आप जिनकी चर्चा देख के सुनते हो, जो रियलिटी शोज हैं बिग बॉस आ गया, वो सच का सामना, इनके प्रति आपका क्या क्या धारणा है? आज हमारा देश जो है ना सिर्फ इस चक्कर में रह गया है हर आदमी कि इससे मिलूंगा मुझे क्या फायदा होगा, या इससे मिलने से मुझे क्या नुकसान होगा। और जो धारावाहिक बन रहे हैं, जो हमारा संस्कृति या जो हमारे संस्कार थे इतने पुराने, यहाँ पत्थर की मूर्ति को भी कपड़े पूरी तरह पहनाए जाते हैं, सिर से लेकर पैरों तक उसको कपड़ा पहनाया जाता है। अब मुझे इतने बिग बॉस आता है, मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या क्या दिखाना चाहते हैं कि इंसान ऐसा हो कि मुंह के सामने कुछ और उसके पीछे अपने बाप को भी आप कुछ दिखाना है। तो मुझे जिस तरीके के जो नया यूथ है, नौजवान तबका है, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई कसूर, मैं उनको कसूरवार नहीं मानता। या तो माँ बाप दोषी है जो जिनके पास संस्कार नहीं है, या 30-35-40 साल के जो 35 साल के
जो आजकल मॉडर्नाइजेशन के माँ बाप हैं, ऐसे सीरियल है जिनको मेरे ख्याल नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है कि शाम के टाइम अच्छी आवाज आए घर से, रोने की आवाज तो बहुत बदसगत महाराम पूरी पूरा, लेकिन आज जो सीरियल है वो सुबह शाम को 7-8 बजे औरतें रोना शुरू करती है, 11 बजे तक रोने की आवाज आती है घर से। अपना आईना दिखाने के लिए जिनसे वो सीखे बच्चे उनको गवर्नमेंट कर्ज नहीं करती क्योंकि उनका बजट इतना बड़ा नहीं होता। जिससे आप ये देखिए, ये जो है इसमें मुझे महाभारत में जो सबसे अच्छा लगा था कि उनके जो आपस में रिश्ते थे इंसान, और उन रिश्तों की जो एक दूसरे के दिल में आदर था उनके लिए, और ये जो अपना करैक्टर है भाई, एक इंसान एक कह रहे एक कह रहे भगवान कृष्ण ये कहने भी अपना सिंह देता था। जो ये चीजें है ना, अगर लोगों को बताई जाए, देखा बहुत कम लोग हैं जो बबली का करैक्टर जानते हैं, बबली का क्या कौन था बबली, मतलब उनके बारे में तो जानते लेकिन इतिहास नहीं जानते। ऐसी जो पिक्चरें हैं जिनको अगर गवर्नमेंट कर्ज करे, थिएटर मुहैया करे, अवेलेबल करा दे, तो लोगों के लिए अब ऐसी बेतुकी पिक्चरें जो मतलब सिवाय विज्ञापन के और कुछ भी नहीं है, आर्थिक मदद टैक्स माफ कर दो, ऐसा कोई हेल्प करे, हेल्प करे जिससे मतलब हरियाणा के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को थोड़ी प्रोत्साहन मिले, जो भी बीच अपना हरियाणवी कल्चर भी है कि उसमें से दम तोड़ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि कोई सवाल अब यही आ रहा है आप दोनों से। हाँ, कि आपने हिंदी फिल्म दिखाने की तो दिखाई हिम्मत, तो हरियाणवी जो फिल्म बनी नहीं रही उसको बनाने की हिम्मत नहीं। हरियाणवी इसके हिंदी बनाने का एक रीजन था क्योंकि इसका स्केल है ना राजस्थान कई स्टेट का है, वो एक लोकल लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। सीडी फिल्में बनाई हैं लेकिन अपना कोई गवर्नमेंट से टैक्स फ्री, पहले डिमांड थी कि टैक्स फ्री होने चाहिए। हमारा विचार भी हम जो हरियाणा के मुख्य मुख्य प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो मुख्यमंत्री से इस बारे में विचार विमर्श करें ताकि अपने कल्चर को फिर से जीवित किया जा सके। बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है हरियाणा का लेकिन आज बिल्कुल डाउन है, दम तोड़ रही मार के लिए। आप देखिए पंजाब के आप हैं, पंजाबी में कोई फिल्म नहीं अपना रहे, पंजाबी कोई फिल्म बन रही है, हरियाणा में कोई फिल्म नहीं बना रहा है। बदकिस्मती क्या है, आप साउथ में चलिए, जो कन्नड़ है वो कन्नड़ पिक्चर को देखी, कर्नाटक साउथ तमिल है वो तमिल पिक्चर को देखते हैं, और तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये जो बेस्ट सिनेमा है ना उनके वहाँ लगती है पिक्चर। और हमारे क्या है कि अगर थोड़ा सा भी इंसान बढ़ जाता है ना ये हरियाणा पंजाब दिल्ली तो फट और ट्रिब्यून खरीद के पढ़ता है, जो लोकल अखबार नहीं पढ़ता वो चाहे उतनी पकड़ी हो कि ये लोग मतलब अपनी लैंग्वेज को मतलब उनकी पिक्चर देखना अपना कि गांव के देहाती लोग देखते हैं, मतलब इसको प्राउड नहीं महसूस करते कुछ देखने में, खुद भी सोचने की सोच खुद भी वो छोटी। आप साउथ में जाते सब लोग देखते अपने अपनी लैंग्वेज की पिक्चर देखते हैं, और आज इसलिए अपना उनकी जो पिक्चरें हैं उसका बजट जो है इक्वल टू हिंदी पिक्चर। जो पहले की महाभारत थी रामायण जी वही प्रकार आते हैं, उसी प्रकार की वही सेम लैंग्वेज और वही सेम कहानी है या कथा, लेकिन जो किरदार हैं वो अलग हो गए, उन किरदारों के कारण आज इंटरेस्ट कम हो रहा है या कोई और कारण है? रामायण और महाभारत अब जो नई आ रही है आपके टाइम की और अब की जो नई भारत, उसमें जो व्यूअरशिप है काफ़ी कम है पहले की महाभारत। रामायण एक नई आई थी जिसमें गोपीत ने और जब बाद में देखा तो बाद में उसको
अब द्रौपदी क्या है कि ये जो सीरियल होते हैं फिल्में होती है ना महाभारत के ऊपर बेस्ड ऑन महाभारत स्टोरी और ये रामायण के ऊपर, इनको हम लोग हमारे दादा परदादा 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 5-6 हजार साल से ये स्टोरी अपने घरों में चली आ रही है और हर आदमी जानता है कि युधिष्ठिर कैसा था, दुर्योधन कैसा था, फिजिकली स्ट्रक्चर होती है, भीम कैसा था, अर्जुन कैसा था। अब वो जो उन्होंने बनाया है अपना उसने ये सोचा कि शायद मैं जो कॉलेज टाइप यूज है ना इनको ऐसा महाभारत दूं कि ये उन लोगों से अपनी किया कि द्रौपदी है तो वो चीज रखने की जरूरत नहीं हो वैसे ही चीज रखना मतलब किरदार हम लोगों ने एक्टिंग की तो हमारे सामने कोई नहीं था, हमारा कोई आइडिया नहीं था, हमें जो स्क्रिप्ट मिलता था उसको एक हफ्ता पहले मिल जाता था, आप उसको अपने अपने करेक्टर को जैसे भी हाथ मारना है, ये करना है, वो करना है, आप उसको कर लो कौन सा फिट होगा। अब इन लोगों के सामने जैसे ये महाभारत वाले तो उनका ये था वो आई एम गोइंग टू बीट ऑल दैट, वो महाभारत में अच्छा करने में नहीं, वो हमें डोमिनेट हमें सुपरसीड करने के चक्कर में, तो वो जो भीम है उसने क्या एक्टिंग की, मैं करूँगा, वो अर्जुन है उसने क्या, ये चक्कर में थे ये लोग, उन्होंने अपना जो था ना वो नहीं किया। आपने जो महाभारत के जो जैसे अर्जुन जी थे आप इन सबके आज आज आपकी मीटिंग होती है उसमें आपको क्या सामने आता है एक्सपीरियंस है? ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं दोस्त मिलते हैं अच्छा लगता है। ओके ठीक है, मतलब जून के अंदर जो आप जब मीटिंग करते हैं और आज का जो सीनरी देखते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो पढ़ा सारा ग्रंथ 2-3 बार और मैं कभी ये सोचता था कि हमारे हिंदुओं में मैं पहले ये सोचता था कि हमारे हिंदू में ऐसे वार ये हमारी को बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, लेकिन जब महाभारत को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि हमारे जो वॉरियर योद्धा हुए हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ जिनको ये पता था कि मेरा काल किसके हाथों आना है, किस समय आना है। हम लोग बातें भी करते कि जो नेशन थी ना एक एक रेस आर्य रेस वो महाभारत की लड़ाई में खत्म, सारी टोटल वेस्ट जो थी उस लड़ाई में खत्म होगी, उसके बाद तो बीमार पैदा हुए जो एक बात और है कि आपने भीम का निभाया उसके रूप में आपको जाना जाता है तो भीम बार कह दो कह देगा शायद कौन नहीं जानता, कोई और ऐसा पौराणिक चरित्र आपके मन में है कि वो भी निभाने का मुझे मौका मिले ऐसा करना है? मेरा दिल करता है कि ऐसा कोई पारिवारिक फिल्म बने, कोई ऐसी पारिवारिक फिल्म बने जिसके ऊपर जैसे बुजुर्ग होता है ना उसके ऊपर परिवार को लेके चलता है, ऐसी फिल्म मैंने करने को दी क्योंकि मैं सारी उम्र परिवार में रह के ही इकट्ठा परिवार में लाइफ देखी है। संदेश क्या देना चाहूँगा? संदेश मैं ये देना चाहता मैं संदेश के काबिल तो नहीं, पहले मैं ये कह रहा हूँ मैं संदेश देने का काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा तजर्बा है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आदमी की पहचान तीन चीजों देते हैं कि वो कहाँ का है, वो गुलाम का, एक तो उसकी भाषा, एक पहरावा और तीसरा उसका खान पान, ये तीन चीजें आप कहीं भी चले जाओ इन चीजों को मत छोड़ो।
क्योंकि हम लोग मतलब इसमें प्राउड महसूस करते हैं कि हमारी पहचान है। कुछ लोग ऐसे जिनकी पहचान ही क्या बताएं, वो कहाँ के, ये मुझे तब पता लगता है कि क्या होता है इसकी पहचान। और दूसरा, मैं जितना मर्जी आप मॉडर्न बनो, आप कपड़ों से मॉडर्न जो मर्जी बन जाओ, लेकिन विचार जो है वो आदमी के शुद्ध होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। सेवा होगी ना, कर लिया पूरी कंप्लीट टीम। अब तो कंप्लीट इंचार्ज ही रहेंगे, कंप्लीट टीम हमारे पास भी, जो भी जिस तरह का कोई भी प्रोग्राम आता होगा। अच्छा, कैमरा की किसी से भी कोई ऐसा भी नहीं, वैसे खुद का ही। अच्छा, उसको ओवर लेना में सबसे बड़ा मैं नहीं कहता, टोटल सभी को सभी को मैसेज कर दो। टोटल को हरियाणा में उनको आदमी आता है, मेरी खुशी हुई है।